लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन है तू? शुक्र कर उसका जान नहीं लिया, थप्पा लगाकर पार्सल कर दिया। अबे ओ, चल फोट, नहीं तो तेरे को भी देख लेंगे क्या? ए, सवाल नहीं, सवाल मैं करूंगा और जवाब तुम लोग दोगे। तुम लोग ही कल्याण सिंह के टट्टू हो ना, जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा था। नायक नहीं खल। अरे ये क्या भैया, इतनी सारी बोरियां? आपने स्कूल बंद करके राशन का दुकान खोल दिया क्या? बकवास बंद कर, देख तो क्या है। हाँ देखता हूँ। कौन है? अरे भैया, ये तो तुम्हारे स्कूल के विद्यार्थी है। किसने की इनकी की हालत? किसने की? मैंने। भैया मैं जरा। और मैं वो तूफान हूं जो तुम्हारी सोने की लंका को तहस नहस कर डालेगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गलती मैंने नहीं, तुमने की है, जो शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। मैं चाहूं तो तुम्हारे जिस्म को काट कर चील कौओं को खिला दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हें वैसे ही मिटाऊंगा जिस तरह तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की है। अच्छा, इसमें कसूर किसका है? तुम्हारा कसूर नंबर वन। मेरी बहन जो अपने पति के घर सुख से रह रही थी, तुमने उसके घर में आग लगा दी। उसके पवित्र दमन पर दाग लगाकर उसको घर से बेघर कर दिया तुमने। कसूर नंबर दो, मेरा भाई जो तुम्हारी बेटी से प्यार करता है, तुमने अपने आदमियों से उसे जानवर की तरह पीटा, फिर बोरी में डालकर मेरे पास भेजा। इसका जवाब है एक के बदले छह बोरियां। नहीं, ये मेरे बदले का जवाब नहीं है। मेरा बदला तो 20 साल पुराना एक घाव है तो तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरे खानदान को दिया था। याद है, तुम बाप बेटे ने मिलकर मेरे बाप के गले में कानून के फांसी का फंदा डाल दिया था। तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। मैंने मौत के मुंह में जाते वक्त अपने बाप को यह वचन दिया था कि मैं तुम्हारे खानदान को कभी चैन से रहने नहीं दूंगा। तुम्हें जीने तो दूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी जीने के काबिल नहीं होगी। फिर अचानक मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी जान तो तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई में अटकी हुई है। अगर उन्हें मार दिया जाए तो तुम तो बिना मारे ही मर जाओगे। इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हारी बहन की जिंदगी से उसकी खुशियों को नोच लिया और फिर
तुम्हारे भाई के होंठों से उसकी मुस्कुराहट को छीन लिया। तुम लोगों के जख्मों को देखकर बहुत सुकून मिलता है मुझे, बहुत शांति मिलती है मुझे, और उसी शांति के लिए मैं तुम लोगों को हमेशा जख्म देता रहूंगा, और फिर अपने पतले के नाखूनों से उन्हें खुरेच खुरेच कर उन्हें लहूलुहान करता रहूंगा। बस कल्याण सिंह, अगर तुझे याद है कि तेरे बाप को क्यों और कैसे सजा मिली थी, तो तू भी अपने गुनाह गिनना शुरू कर दे, क्योंकि मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं कि मैं अपनी हर बिगड़ी को तेरे ही हाथों से संवारने पर तुझे मजबूर कर दूंगा। तुम मेरे स्कूल को नहीं जानते हो। मेरे स्कूल का नाम है राहु केतु विद्यालय। बड़ा खतरनाक स्कूल है ये। यहां कुछ भी सीधा नहीं होता, सब उल्टा ही उल्टा पड़ता है। मैं रिश्ते तोड़ता हूं, जोड़ता नहीं हूं। हाँ, इसलिए अब ना तो तेरे भाई की शादी मेरी बेटी से होगी और ना ही अब तेरी बहन का घर फिर से बसेगा। बसेगा कल्याण सिंह, बसेगा। मेरी बहन का घर भी बसेगा और तेरी बेटी की शादी भी मेरे भाई से ही होगी। मैं तेरी आंखों के सामने मंगलसूत्र पहनवाऊंगा और तेरे ही हाथों से उन्हें आशीर्वाद भी दिलवाऊंगा। शायद तुम्हें मेरे हरामी स्कूल का अंदाजा नहीं है। तू अपना ये हरामी स्कूल चलाता रहे, क्योंकि जिस दिन मैं अपना स्कूल खोलूंगा ना, तेरा ये स्कूल बंद हो जाएगा, और ये मेरा चैलेंज है। हेलो, होशियार हो जाओ कल्याण सिंह, तुम्हारी तबाही का खेल शुरू हो गया है। कौन बोल रहा है? तुम्हारा दुश्मन विजय। फोन क्यों किया है? तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा स्कूल छोड़कर मेरे स्कूल में भर्ती हो गई है। क्या? यकीन नहीं तो नेशनल पार्क में खुद अपनी आंखों से देख लो। पापा, खबरदार जो आज के बाद तुम उस लड़के से मिली तो। मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। क्या कर लेंगे आप? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो मारते क्यों नहीं? आगे बढ़िए, खोल दीजिए मेरा गला। बेटी, बेटी तुम समझती क्यों नहीं हो? वो अच्छा लड़का नहीं है, जुआरी है, शराबी है। ये झूठ है। मैं विशाल को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो एक अच्छा इंसान है। हो सकता है वो एक अच्छा इंसान हो, लेकिन उसका खानदान अच्छा नहीं है। वो मेरे दुश्मन का बेटा है। उसका बाप मेरे बाप का कातिल है। मेरा बेगुनाह बाप उसी के बाप की वजह से मारा गया था। आपके पिताजी को मारा था कानून ने, विशाल के डैडी ने नहीं। कानून ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था क्योंकि वे खूनी थे। मुझे खुशी है मैंने उस घर से रिश्ता जोड़ा है जिनकी रगों में ईमानदारी और वफादारी का खून बह रहा है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विशाल से, वरना जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी। रख दिया। आप खाएगी? तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता पक्का समझू ना? अगर आपको हमारी शर्त मंजूर हो तो। हाँ, मुझे आपकी सब शर्तें मंजूर हैं। यहाँ तक कि अगर आप बारात को कल भी लाना चाहें तो वो भी मुझे मंजूर है। लेकिन आपको शादी कितनी जल्दी क्यों है? वो क्या है कि लड़की तो पराया धन होती है ना, जितनी जल्दी उसे सौंप दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। जैसी आपकी मर्जी। क्या चुटकी? उधर देखो। क्या है भैया? ये क्या है? तुझे इतना सच धज के इन सुहागन औरतों के साथ यहाँ क्यों आ रहा है? लगता है इसके स्कूल का यही तरीका है। ये क्या, अपने वॉचमैन के बच्चा उसे सैल्यूट भी कर रहा है? बोल रहा हूँ अपना स्कूल बंद करके मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ। चुप, तुम आओ जाओ यहाँ से। थैंक यू भैया। नमस्कार 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 नमस्कार। यहाँ क्यों आए हो? रिश्ता जोड़ने के लिए। अच्छा, क्यों टक्कर लेने की हिम्मत नहीं रही क्या?
कल्याण जी, आप जानते हैं कि आपकी बेटी ज्योति और मेरा भाई विशाल एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई का बेटा मेरे ही घर में जन्म ले, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी शादी से पहले न्याऊं। अच्छा, अब पता चला शादी कितनी जल्दी क्यों थी आपको। मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। देखिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। बेटे के लिए प्रार्थना करना, बेटे के लिए। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। कल्याण सिंह जी, भलाई तो इसी में है कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे भाई के साथ मंजूर कर दीजिए। मैं ये शादी कभी मंजूर नहीं करूंगा। हाँ, मंजूर तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना स्कूल खोल दिया है, और आज जो सबक पढ़ाया है उसका नतीजा आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। बेहतर तो यह होगा कि आप अपना स्कूल बंद कर दीजिए और इस स्कूल में भर्ती हो जाइए, वरना आगे बहुत पछतावा होगा। भैया भैया, मैं अभी भी बोलता हूं अपना स्कूल बंद कर दो। पता नहीं साले का कौन सा स्कूल है। लगता है तुम्हारा स्कूल उससे जीत नहीं सकता। तो फिर और कौन जीत सकता है। पुराने पापियों की पाठशाला, वही बुढ़े खड़ूस उस्ताद लोग ही तुम्हें उस विजय पर विजय दिला सकते हैं। अच्छा, तू उनका अता पता जानता है। ये ग्रेट खलनायक हर खलनायक का अड्डा और खड्डा सब जानता है। फॉलो माई इंस्टीट्यूट। अरे भाई, ये कहाँ आया तू? किसका घर है ये? ये हमारे खलनायकों के ट्रस्टी है, केन सिंह साहब, मशहूर खलनायक, बकवास बॉन। अच्छा अच्छा, वो केन सिंह साहब जिन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चरों में देवानंद, अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार की छुट्टी कर दी, और प्रेम चोपड़ा की बहुत सी पिक्चरों में बॉस बने रहे। नमस्कार केन सिंह साहब। नमस्कार। नमस्कार। मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? बैठ सकते हैं? हाँ बैठिए। सिंह साहब, दरअसल बात यह है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। एक शख्स है, उसका नाम है विजय। आपने हमको साला बहुत बड़ा हीरो समझता है। आपने तो बड़ी बड़ी फिल्मों में खलनायक यानी कि विलन का रोल किया है, बड़े बड़े हीरोज के छक्के छोड़ा दिए हैं, बड़ा नाम है आपका फिल्म इंडस्ट्री में, सारी दुनिया आपको जानती है। मैं चाहता हूं क्या मुझे कोई ऐसा पैंतरा बताएं कि मैं उस साले हीरो को हीरो से जीरो बना डालूं। बस भाई, तरीके तो बहुत है। लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका मैंने एक फिल्म में इस्तेमाल किया था। अच्छा, कौन सा तरीका है वो? वो उसकी जो जीप है, हाँ जी, उसके पहियों के नट बोल्ट निकाल दो, अपने आप मर जाएगा। अरे, अरे, बड़े ग्रेट आइडिया। चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोला था ना मेरा स्कूल। बेवकूफ लोग।